हे गाइस, वेलकम बैक। मैं मुनीश पंजाबी, आप देख रहे हैं फिट फॉरएवर रेजिस्टेंस बैंड ट्रेनिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं इस चैनल पे रेजिस्टेंस बैंड ट्रेनिंग देता हूं, उसके एक्सरसाइजेस वर्कआउट सिखाता हूं। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैं आज आपको वर्कआउट सिखाने वाला हूँ, साइड रेजिस, जो शोल्डर के ये वाला साइड वाला जो बीच का हिस्सा होता है उसे किस तरह से डेवलप किया जाता है। उसमें एक स्पेशल वर्कआउट जो है वो मैं आपको, एक स्पेशल एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको सिखाऊंगा, जो इंटरनेट पे मुझे नहीं मिली थी, ये खुद मैंने डेवलप की है। तो आप सबको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते टाइम पे अपने साइड डेल्ट्स जो है, शोल्डर जो है, साइड पार्ट शोल्डर का, वो ग्रोथ करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपका टाइम भी जो है वो कम कंज्यूम होगा कंपैरेटिवली, जो आप सिंगल हैंड से वर्कआउट करते हैं साइड रेजिस के लिए। रेजिस्टेंस बैंड के साथ वही चीज दोनों हाथ से किस तरह से किया जाता है वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। सो स्टे ट्यून। सो गाइस, सबसे पहले आप साइड रेजिस के लिए रेजिस्टेंस बैंड को किस तरह से पैरों में टाई करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए राइट डेल्ट जो है आपको वो ट्रेन करने हैं, तो मैंने राइट लेग के नीचे इसको टाई कर दिया एंड यहां से मैं ग्रैब करूंगा दिस अप। ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो आप और नीचे जाएंगे तो आपको और ज्यादा रेजिस्टेंस जो है वो फील होगा यहाँ पे दिस। ओके, सेकेंड मेथड क्या है इसकी, हम एक अच्छा सा डायगोनल एंगल बनाएंगे। अगर हमको राइट साइड जो है डेल्ट्स वो ट्रेन करना है तो यहाँ पे आप डालेंगे आपका जो लेफ्ट पैर है उसको यहाँ पे रख के एंड यहां से आप ग्रिप करेंगे एंड देन आप, ये आपका अच्छा एक डायगोनल एंगल बन जाता है जिससे आपको यहाँ पे शोल्डर के साइड वाले हिस्से में बहुत ही अच्छा बम्प आएगा वर्कआउट के बाद। सो अगर आपको रेजिस्टेंस इस सिचुएशन में इंक्रीज करना है तो लेफ्ट साइड का पैर जो है उसका डिस्टेंस आप बढ़ा देंगे, वो थोड़ा ऐसे कर देंगे तो ज्यादा रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। ठीक है, थर्ड मेथड में आपको बताने वाला हूँ। थर्ड मेथड जो है वो आप दोनों हाथों से कैसे परफॉर्म करेंगे ये देखिए। अभी आप इसके लिए दो रेजिस्टेंस बैंड होना बहुत ही जरूरी है, एक ज्यादा रेजिस्टेंस वाला और एक कम रेजिस्टेंस वाला। अगर आपके पास दोनों ही सेम रेजिस्टेंस वाले बैंड्स हैं तो भी चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको क्या करना है, जो ज्यादा रेजिस्टेंस वाला बैंड है उसे इस तरह से ग्रिप करना है दोनों पैरों के बीच में, जो आपका कम रेजिस्टेंस वाला बैंड जो है उसको उसके बीच में से सेंटर्ड सिचुएशन में निकाल के इस तरह से आपको ग्रिप करना है। अगर आपको रेजिस्टेंस इसका बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, अपने जो लेग्स हैं उसका डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो ग्रीन वाला बैंड जो है वो नीचे जाएगा एंड ऊपर जो है वो ज्यादा रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। रेजिस्टेंस कम करना है तो आप दोनों ही पैर को इस तरह से अंदर लेके आएंगे तो ग्रीन वाले बैंड जो है वो थोड़ा ढीला हो जाएगा और आपको रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। यही फायदा है रेजिस्टेंस बैंड्स, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का। ओके, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने टाई कर दिया एंड देन इस तरह से साइड रेजिस होगा। रेजिस्टेंस अगर हम बढ़ाना है तो इस तरह से तो ये आपका हो गया नया वर्कआउट। आप घर पे भी इसे ट्राई कीजिएगा। आपका जो वर्कआउट टाइम जो है, जो आप सिंगल हाथ से परफॉर्म करते हैं फिर दूसरा हाथ से परफॉर्म करते हैं दोनों साइड शोल्डर से, तो आपका जो टाइम है वो बच जाएगा एंड आप जल्दी से वर्कआउट कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। रेजिस्टेंस बैंड वर्कआउट
जिम से बिल्कुल ही डिफरेंट है, आपको करने का बहुत ही मजा आएगा। थैंक यू गाइस।